तो दोस्तों हम लोग रुके थे इस होटल में, इसका नाम है अशोक हिल टॉप रिसोर्ट। तो यहाँ पर रूम रेंट किस तरीके का है मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। नॉर्मल अगर फैमिली रूम लीजिएगा जिसमें 3 आदमी रह सकता है तो उसका करीबन 2800 से 3000 रुपया आपको लग सकता है। और कॉटेज वगैरह में आप लोग अगर रहिएगा तो उसका रेट होगा करीबन 3.5 से 4 हज़ार रुपया। और यहाँ पर खाना अलग से मिलेगा आप लोगों को, और आप चाहे तो यहाँ पर बुफे भी ले सकते हैं। ये हम लोग दोस्त है, हम है, हमारा घर है, बड़ा जा रहा है बड़ा पहाड़, छोटा नहीं इन लोगों का वीडियो अपलोड होगा, इन लोगों को पता नहीं है, इस वजह से जो बोल रहा है वही सुन रहे हम। दोस्तों अभी हम लोग नहा धो के होटल से निकले हैं और अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे। तो ये सब लोग देख सकते हैं, ये हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अयोध्या पहाड़ कैसा है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेनू क्या क्या मिलता है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग सब दोस्त लोग अभी खाना खाने आए हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम है परिवार रेस्टोरेंट। तो ये होटल से थोड़ा दूर में ही ये वाला है, आप लोग चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पर। अभी खाना अभी तक नहीं आया है, खाना क्या आएगा हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आलू का एक सब्जी है, भुजिया है, दाल है, भात है, और इसके साथ स्पेशल हम लोग कुछ लेंगे, सोच रहे हैं क्या देगा वो लोग, अभी तक हम लोगों का आया नहीं है। ये देखो मुख सूख गया है इन लोगों का, ये देखिए सब लोग का मुख सूख गया है, अभी हम लोग का भी आ गया। आप लोग का स्पेशल क्या है? चिकन है और मछली है। तो ये यहाँ पर दाल है, सब्जी है, भुजिया है। अभी हम लोग नॉर्मल खाना खा रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर घूमने जाएंगे। भीड़ यहाँ पर रहता है हर जगह पे, टूरिस्ट यहाँ पर 12 महीने में आते हैं ये लोग। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल भेज थाली का प्लेट है 120 रुपया, और चिकन और मछली आप लोगों को मिलेगा। तो उसका रेट यहाँ पर चेंज होता रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं बताऊँगा। और आप लोग अगर जाते हैं तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे मार्बल लेक, तो मार्बल लेक का रास्ते में ही ये रेस्टोरेंट आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस तरफ से तो आप लोग यहाँ पर रुक के खा सकते हैं। कौन खा खिला, कैसा लगा खाना आप लोगों को? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। पोखरा का मछली है, ये देखिए नाम दिखा दे रहा हूँ, ये होटल एंड रेस्टोरेंट है यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से घूमने। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं पुरुलिया, यहाँ पर अयोध्या पहाड़ में हम लोग आ चुके हैं। अभी खाना वाना खा के हम लोग रिसोर्ट से निकल के अभी निकल रहे हैं घूमने के लिए, और कौन कौन जगह हम लोग घूमते हैं वो सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, कट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा चीज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ।
आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। गाड़ी आ गए हमारे, घर जा रहा है, मैं हूँ वहाँ पे पीछे कर रहा हूँ, जो तो पैसा का है, लेकिन राजी का भी लॉटरी में पैसे पाया है गारंटी का 600 रुपया, उसमें से 150 रुपया का फिर से लॉटरी कट लिया है, तो फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग कोई दूसरा कॉटेज या रिसॉर्ट में जाते हैं तो वहीं भी वहाँ भी आप लोगों को कम रेट का भी रूम मिलेगा और ज़्यादा रेट का भी रूम मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एकदम हाई रेट का ही रूम है, वहाँ पर सब टाइप का रूम मिलेगा। नॉर्मली रेट वहाँ पर 2,500 से 3,000 के अंदर आपका 3% का अच्छा रूम मिल जाएगा। और कॉटेज में अगर छोटा छोटा जो कॉटेज है वहाँ पर, वो भी करीबन आप लोग को 3,000 या 2,200 में अच्छा कॉटेज मिल जाएगा, जिसमें 2-3 बंदा आप लोग एक साथ रह सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर दे दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्बल लेक घूमने के लिए, तो चलिए भी पहुँचेंगे, फिर मैं वहाँ का व्यू आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँच चुके हैं मार्बल लेक और यहाँ पर पार्किंग फ्री है। ये राणा माटी जगह है यहाँ पर और ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ऊंचाई में जाएंगे। अभी पहाड़ी में जाएंगे हम लोग अभी। तो ये पहाड़ी है यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी जो जगह पे हम लोग घूमने आएंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर पहाड़ है। तो पहाड़ के बीच में एक छोटा सा झील है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ वाला, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जगह है। और यहाँ पर जो साउंड, जो आप कुछ बोलिएगा तो उसका रिफ्लेक्शन साउंड आपको सुनाई देगा, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। इस जगह को बोलते हैं मार्बल लेक और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोग घूमने आए हैं यहाँ पर। जो हम लोग का घर में मार्बल वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसको यहाँ से कट करके ले जाया जाता है। और ये भी ये जगह पूरा खाली हो चुका है, तो इस लेक को देखिए बहुत ही खूबसूरत है। आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पुरुलिया अयोध्या पहाड़ के ऊपर, एक मार्बल लेक है। तो ये जगह पे पहले शायद यहाँ पर मार्बल का जो पत्थर होता है उसको निकाला जाता था, ये खदान टाइप का था। तो अभी इसका काम शायद बंद हो गया है, तो
तो यहाँ पर पानी जमते जमते एक झील टाइप का बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब लोग आते हैं देखने के लिए यह मार्बल लेक का झील को। तो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत जगह है यह वाला। थोड़ा मैं आगे से भी आप लोगों को दिखा दूंगा, तो ये पूरा व्यू में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मार्बल लेक है, अभी हमारा दोस्त लोग देखा, कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से घर का मार्बल ले जाऊंगा, काट के फिर लगाऊंगा घर में। ये देखिए कहाँ कहाँ सब लोग उतर रहे हैं, देख रहे हैं एकदम झील के नीचे तक जा रहे हैं वो लोग, उतर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से फोटो शूट रहा है। देखिए देखिए ये ज्यादा उछल कूद करेगा तो नीचे जाएगा पानी में, गैल भैंस पानी में। हमने ऊपर जाई भाई, तू ऊपर जा, मैं नीचे के छूटा तू। तो ये ऊपर से मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये ऊंचाई से है थोड़ा वीडियो यहाँ पर, तो ऐसा लगता है ऊपर से नीचे में देखने में। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और दूसरे कोई जगह में जाएंगे घूमने के लिए। तो चलिए दिखाता हूँ और मार्केट में क्या क्या चीज मिलता है यहाँ पर, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। काठेर जीनिस है, माटी जीनिस पाया अच्छा खाना, काठेर और माटी जीनिस पत्र। हाँ माटी मूर्ति गुलो साजनोर और काठेर में। ये सब कुछ होममेड सब चीज बनाते हैं उनका सब है, देख सकते हैं मूर्ति वगैरह है, ऊंट से मिट्टी से ये सब कुछ बनाया गया है। मूर्ति देख सकते हैं वॉल में रखने के लिए। ये ऊट से बना हुआ है, हरिण है ना। आप कितने साल से यहाँ पर दुकान करते हैं? चार साल। चार साल। ये पहले का खदान था, और यहाँ से मार्बल का स्टोन वगैरह सब निकाला जाता था। अच्छा, तो ये खदान करीबन कितना साल पहले बंद हो गया है? दस साल पहले बंद हो गया है ना। अच्छा, तब से ये टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टैचू वगैरह है यहाँ पर, ये पूरा मार्केट है यहाँ पर। पूरा मार्केट में आप लोगों को दिखा दिया, छोटा सा मार्केट है मगर बहुत खूबसूरत चीज यहाँ पर मिल रहा है। तो बहुत ही सजावट का अच्छा अच्छा चीज यहाँ पर है। तो देखिए
हेलो जुड़े अभी हम लोग मार्वेल पहाड़ जो थे वहां से निकल गए हैं, अभी दूसरे जगह पे जा रहे हैं। तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जा रहे हैं। रास्ता में देखिए, रास्ता एकदम छोटा रास्ता है और गाड़ी दो तीन घुसा दिया है, साइड नहीं मिल रहा है जाने के लिए हम लोगों को। कंदी दिए साइड चाचे, देखो के साइड चाचे, के साइड चाचे, कंदी के साइड दिए। তো বাস শুই নিয়ে যখন থাকি এই ক্যামেরাটা।